तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन कॉमर्स में। तो आज हम एक नए अकाउंटिंग टर्म के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को हम लोग आसान शब्दों में जिम्मेदारी, दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन। तो सर ये बिजनेस के केस में क्या होता है, सुनिए मेरी बातों को। लाइबिलिटी इज द अमाउंट पेबल और ओड। ओड और पेबल, ओडब्ल्यूईडी या फिर पेबल, दोनों का मतलब होता है उधार लेना। Liability is the amount payable by the business to the other on due date is known as liability. Liability वो होता है जो आप उधार दूसरों से लेके आए हैं और आपने प्रॉमिस किया है कि मैं इस डेट को आपको दे दूंगा, उसी को हम लोग ड्यू डेट बोलते हैं। जिस दिन आपने प्रॉमिस किया पैसा देने को, उसे को हम लोग ड्यू डेट बोलते हैं। तो जिस अमाउंट को आप दूसरों से, बिजनेस के बाहर से उधार लेके आए हैं, आपने वादा किया है कि मैं ड्यू डेट पे ये पैसा आपको लौटा दूंगा, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, लाइबिलिटीज बोलूंगा। बस मेरे बच्चों, बस इतना ही छोटा सा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि जो भी पैसे जो आपने बाहर से उधार लेके आए हैं उसे रीपे करने का जो जिम्मेदारी होता है उसी को तो हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। सर एग्जांपल्स क्या हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है। अगर आपने बैंक से लोन लेके आया है तो जिस दिन इसका ड्यू डेट होगा, ड्यू डेट मतलब जिस दिन आपने प्रॉमिस किया है उस दिन आपको इस बैंक लोन को रीपे करना होगा। क्रेडिटर और सप्लायर जिनसे आप उधार में गुड्स लेके आते हैं, क्या उनको भी आपको पैसे देने होंगे? हाँ सर, उनको भी पैसे देने होंगे। ये सब क्या है, मेरे एग्जांपल्स हैं लाइबिलिटीज के। तो लाइबिलिटीज मतलब सीधे शब्दों में एक बार फिर से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सर जो पैसा आप उधार में लेके आते हो उनको रीपे करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको हम लोग लाइबिलिटीज बोलते हैं। वेरी करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो लाइबिलिटीज होता है इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट का नाम होगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, आई रिपीट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और हम लोग इसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। और दूसरे पार्ट का नाम होगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या फिर करेंट लाइबिलिटीज। सर इन दोनों का मतलब और एग्जांपल आप बताएंगे क्या? बिल्कुल। अब देखिए, लाइबिलिटीज का एक पार्ट का नाम हुआ नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ऐसे लाइबिलिटीज, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारी जिनको रीपे करने का ड्यू डेट एक साल के बाद हो। आपने ऐसा उधार लेके आया है बाहर से जिनको आप एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, मतलब एक साल के बाद रीपे करने का आपने वादा किया है, तो ऐसे लाइबिलिटीज को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और नॉन करेंट लाइबिलिटीज। सपोज करिए आपने अगर तीन साल के लिए घर बनाने के लिए लोन लिया है तो ये लोन कैसा होगा? सर नॉन करेंट लाइबिलिटीज होगा, लॉन्ग टर्म लोन होगा, इसे आपको एक साल के बाद चुकता करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट बातों को सुनिए, करेंट लाइबिलिटीज तो जस्ट इसका रिवर्स है। ऐसे जिम्मेदारी जिनको आपको रीपे करने का, ऐसे जिम्मेदारी जिनको रीपे करने का प्रॉमिस आपने एक साल के अंदर किया है, दैट इज बर्डन टू पे, लाइबिलिटी टू पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द डेट मतलब उधार विद इन वन ईयर इज नोन एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। सर इसके भी एग्जांपल्स बताइए। सपोज आपने किसी क्रेडिटर से, सप्लायर से चार महीने के लिए उधार लिया है कि मुझे ये गुड्स दे दो भैया, मैं चार महीने के अंदर आपको पैसे दे दूंगा, मतलब एक साल से कम कितना महीना भी ले सकते हो, आठ महीना, सात महीना, नौ महीना, कितना भी महीना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बोलेंगे। सर और एग्जांपल दीजिए ना। सपोज करिए कि आपको अपने रूम का रेंट देना है, एक महीना खत्म, आपने रेंट नहीं दिया, बोला कि भैया मैं अगले महीने के छह तारीख को आपको रेंट दे दूंगा, तो ये छह दिन के लिए जो आपका रेंट ऑलरेडी ड्यू हो चुका है और ये छह दिन के लिए आपका रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, बकाया है, तो ये छह दिन के लिए जो आपका लाइबिलिटीज बाकी है एक साल से कम है कि नहीं? यस सर। तो आउटस्टैंडिंग रेंट या किसी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप बोलोगे करेंट लाइबिलिटीज। सर और बताइए ना, बैंक ओडी। सर बैंक ओडी क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने सुना होगा या बहुत बच्चों को मालूम भी होगा। जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है, जितना आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, अगर बैंक आपको अलाउ करती है कि आप उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सको, दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट अकाउंट। सपोज आपको एक पेमेंट करना है आउटसाइडर को और आपके 12,000 और आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज है, तो यहां पे अगर ओवरड्राफ्ट आप में आपका अकाउंट खुला हुआ है तो आप 12,000 पे कर सकते हैं, इंस्टीड आपके बैंक में कितना है, 10,000। तो बताइए ये जो 2,000 है इसको रीपे करने का लाइबिलिटी है कि नहीं? हाँ सर। तो ऐसे रीपे करने का लाइबिलिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट लाइबिलिटी। ये 2,000 जो भी है इस पर बहुत सारा इंटरेस्ट लगता है, तो इसे हम लोग एक साल के अंदर चुकता कर देते हैं, वापस कर देते हैं, रीपे कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइबिलिटीज माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं एक बार सारी बातों को फिर से रिपीट करता हूं। सर लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे टू द आउटसाइडर। जितना भी उधार है जिनको पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो बिजनेस के पास है उसे हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। ये लाइबिलिटी दो तरीके का होगा, नॉन करेंट और करेंट। करेंट किसको बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द डेट, डेट माने उधार, विद इन वन ईयर इज नोन एज करेंट लाइबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द डेट आफ्टर वन ईयर इज नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और कहीं भी दिक्कत आई हो समझने में तो उस डाउट को भी जरूर पूछें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।